नमस्कार, न्यूज एट नाइन में हूँ छू अपनी साथ दानवी माली। बात करें तमाम महत्वपूर्ण खबरों की, तो आज से सोमनाथ में सौराष्ट्र ने तमिल संगम नो प्रारंभ थवा जई रह्यो छे। तो रक्षामंत्री राजनाथ सिंह प्रारंभ करावशे। तमिलनाडु राज्यपाल आर एन रवि हाजर रहेशे। तो राज्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल उपस्थित रहेशे। तमिलनाडु थी आवेला मूल सौराष्ट्रना लोको देवाधिदेव महादेवना दर्शन करशे। तो श्रीरामजी मंदिर, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर तथा बलरामजी गुफा, हिंगळाज माताजी गुफा और पौराणिक सूर्य मंदिर की तीर्थयात्रा करावशे। तो आज से 30 एप्रिल सुधी चालशे आ कार्यक्रम। आ कार्यक्रम दरमियान पोरबंदर, द्वारका और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी मुलाकात लेशे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत सूत्र ने साकार करे आ कार्यक्रम। तरह सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम ने खरा अर्थ में वतन और संस्कृति साथ जोड़े संवेदनाओं की अनुभूति करावा सरकार द्वारा विविध व्यवस्थाओं और नक्कर पगलाओं लेवाया छे। जेमा तमिलनाडु थी आवनारा तमाम प्रवासी सोमनाथ आवे त्यारे भाषा ने कारण कोई तकलीफ न अनुभवे ते माटे सरकार द्वारा सरकारी विभाग में लांबा समय थी फरज बजावता मूल तमिल लोगों ने फरज सौंपवामां आवी छे। तो बे राज्य वच्चेना संबंध वधु मजबूत बनशे त्यारे आजथी सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम नो प्रारंभ थयो छे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करावशे आ भव्य प्रारंभ। तो सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम अंतर्गत वेरावल रेलवे स्टेशन पर तमिल 320 लोग साथ प्रथम स्पेशल ट्रेन वेरावल स्टेशन पहुंची थी। सौराष्ट्र काठियावाड़ी परंपरा साथ ढोल शरणाई और पुष्पवृष्टि साथ आ भव्य स्वागत करायो। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम की शुरूआत करावशे। आगामी 15 दिवस सुधी आ कार्यक्रम विविध तबक्का में योजवामां आवशे। આજથી સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે અને તેમના ભાગરૂપે તામિલથી જે સૌરાષ્ટ્રીય લોકો છે કે જે હજારો વર્ષ પહેલા અહીંથી તમિલનાડુ ખાતે જે સ્થળાંતર થયા હતા તે તમામ જે 300થી વધુ લોકો છે આજે વેરાવળ રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી પહોંચ્યા છે। જોઈ શકાય છે કે ગુજરાતી રાસ ગરબા સાથે તમામ જે તમિલના લોકો છે તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને અહીં જે સ્વાગતની અંદર ગુજરાતના જે મંત્રી છે તેઓ પણ આવ્યા હતા અને તે તમામ મંત્રીઓએ પણ આ જે તમિલના લોકો છે તેઓનું ગુજરાતી રાજ ગરબા સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। તો સાથે સાથે અહીં જે તમામ લોકો તમિલ આવેલા છે તેઓને હાલ સોમનાથ ખાતે લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને આગામી સમયની અંદર એટલે કે થોડીક ક્ષણોની અંદર આ જે સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમ છે તેમનો પ્રારંભ છે તે રાજનાથસિંહના હસ્તે કરવામાં આવશે। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ।